जय गुरु जी। प्यारी संगत जी और गुरु जी के चरण में सत शत नमस्कार। गुरु जी एक ऐसी लड़ी है, ऐसा शब्द है, ऐसा सबकी अपनी अपना जो भी एक रूप है कि जहाँ गुरु जी आ जाते हैं वहाँ पे सब कुछ हो जाता है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। इतने कोरोना वायरस में पूरी दुनिया में महामारी छाई हुई है और गुरुजी ने अपनी लड़ी चढ़ाई हुई है और हर संगत मंत्र जाप सत्संग घर घर में हो रहे हैं, जो गुरुजी ने बहुत पहले ये बताया था कि अगे अगे वेखना कार कार विच सत्संग होंगे ते मंत्र जाप होंगे। आज कोई भी सत्संग है, कोई किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, हम और हमारे गुरुजी, जो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरे नाल कनेक्शन डायरेक्ट रखो ते तुहाडा सारा दा कल्याण है। सो गुरुजी की जर्नी, मैं मुक्ता सेठ 1999 में शुरू हुई थी। गुरुजी के साथ की जर्नी जिन भी किसी के साथ अनुभव हुआ है, वो हम सारी संगत ने गुरुजी के गद्दी छोड़ने के बाद बहुत चीज़ें जानी हैं। नारंग अंकल, भाटिया आंटी, रघुवीर अंकल, जेठरा अंकल, जनरल कपूर अंकल, रेनू आंटी, सबकी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। बट जो मैसेजेस गुरुजी हमें बताते थे, समझाते थे, वो हमें बाद में समझ आए। संगत जी, आई 1999 में आई वॉज वर्किंग विद एयरपोर्ट एयरलाइंस एंड वन ऑफ माई कैप्टन ही यूज टू टेल मी, चल तेनू एक गुरुआ को लेके चलना। तब गुरुजी, मैं गुड़गांव रहती, पालमविया रहती थी एंड गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे एंड आई वेंट एम्पायर स्टेट। ब्यूटीफुल दरबार, गुरुजी बैठे इतने सुंदर ग्रीन चोले में एंड सारी संगत वहाँ बैठी हुई है एंड आई जस्ट वॉक्ड इन, आई जस्ट गॉट मैरिड। अंदर गए, बड़ा अच्छा फील हुआ। सब वहाँ पर जाके गुरुजी को नमन कर रहे थे, मैंने भी नमन किया। मैं और मेरे अंकल वापस आ गए तो उतने में एक आंटी ने बोला कि गुरुजी आपको आगे बुला रहे। मैंने गुरुजी, मुझे नहीं पता था आंटी अंकल कहते हैं, सो आई वाज जस्ट आई सेड मेरी तो नई ब्याह होया है, मैनू क्यों ये आंटी बुला रहे। सो देन लेटर आई केम टू नो, तो उन्होंने कहा गुरुजी अगे बुला रहे ने। गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैंने सोचा कि शायद आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, आई कुडंट डू इट, अच्छे से मैंने नहीं किया। लेटर देन गुरुजी कॉल मी, आंटी इत्थे बह जा मेरे नाल। एंड यू नो गुरुजी, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्वीट पंजाबी, I can never ever forget because I'm also belong to Amritsar, I'm also Punjabin. So I just loved his voice, his the way of speaking in Punjabi. And I also got excited ki theek hai, hoega, kuch hoga, Guruji ne bithata. Guruji ne bithaya, us to baad satsang ho raha si, saryan ne pehle shabad gurbani hui, phir satsang hoya, phir unhe kya hun, ए आंटी मुक्ता आंटी हूँ इतने परफॉर्मेंस करेगी। मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि अभी तो यहाँ पे सत्संग हो रहा था, गुरुजी वॉज शेयरिंग समथिंग एंड यहाँ तो गुरु की महिमा हो रही थी और यहाँ डांस भी हो रहा है। सो बीइंग अ दिस थिंग आई वॉज लिटिल हेजिटेट बिकॉज न्यूली मैरिड एंड देन फिर गुरु जी कहते फिर आंटी हो जा शुरू। तो एक अंकल को बोला, ही इज़ वेरी फाउंड ऑफ गुरदास मान, तो कोई गुरदास मान का कोई गाने के लिए बोला
एंड आई सेड गुरु जी डांस, पहले तो मैंने अपने अंकल को देखा, आई जस्ट लुक्ड एट हिम कि भी पता चले घर जाके लड़ाई हो जाए कि नया नया विआह है, ये तो आंटी पता नहीं कितने भी शुरू हो जाती है। दैन ही सैड ओके, फिर मैंने कहा, फिर गुरु जी ने मैनु कहा कि मुक्ता आंटी किन्ने लता मंगेशकर पैदा हुए ने, मैं कहा गुरु जी इको, कहते किन्ने अमिताभ बच्चन पैदा हुए हैं, मैं कहा हाले तो इको ही होया। तो जेड़ा हर आदमी नु, हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता, तो तू अपना डांस कर। आई वॉज हैजीटेटिंग, तो मैं अपना पंजाबी हाँ, मैं कहा चल भाई शुरू हो ही जाते हैं, तो आई वॉज हैजीटेटिंग, आई वॉज जस्ट डूइंग थोड़ा थोड़ा। दैन गुरु जी कहते मुक्ता आंटी इस तरह नहीं, दिल खोल के डांस कर जिस तरह तू कर दी है। सो गुरु जी वोंट बिलीव दैट, संगत जी यू वोंट बिलीव दैट, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस विद गुरु जी। एंड पहले तो मैंने थोड़ा सा शर्माई, डरी, उसके बाद मैं कहा चलो जी शुरू हो जाते हैं, और जिथे पंजाबी सॉन्ग शुरू हो गया उत्थे असी भी शुरू हो गए, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड, तो मैं अपना डांस करती रही। चलो जी माई जर्नी स्टार्ट, द फर्स्ट डे माई जर्नी स्टार्ट विद गुरु जी इज विद गुरु जीज ब्लेसिंग्स विद डांस। एंड बहुत सबने बड़ा, गुरु जी ने क्या जा ऐश कर, ऐश कर, कल्याण कर, इतने बड़े बड़े गुरु जी के शब्द जो हमें उस समय नहीं समझ आते थे, आज कई कई संगत को समझ आते हैं, मुझे भी बहुत देर बाद समझ आया। एंड मेरी ऐसे जर्नी शुरू हुई, मैंने जाना, मैंने घर आना, घर से शाम को गुरु जी के मंदिर जाना, सत्संग करना, डांस करना, फिर सत्संग करना। और गुरु जी कभी भी किसी से जब सिंगिंग करते थे, डांस करते थे, गुरु जी कभी किसी को नहीं देखते थे, गुरु जी बस अपना, हमारा क्या कर्म काट रहे थे, क्या उसमें किलिंग कर रहे थे, क्या हमारे को कितनी चीज़ों से बचा रहे थे, ओनली गुरु नोज, हमें कुछ नहीं पता था। एंड ऐसे धीरे 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 आई यूज़ टू गो सिट विद नेक्स्ट गुरु जी, और गुरु जी मतलब कि 100 संगत अगर मत्था टेकती थी तो हार्डली एक दो से बात करते थे। और मैं गुरु जी के पास जाना, गुरु जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, मतलब कि मुक्ता आंटी, मतलब आई टुडे ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु जीज ग्रेस आई हैव बीन ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड बाय गुरु जीज डांसर। मैंने जाना, हमने वहाँ पर बहुत लेट हो जाना, लंगर खाना, डांस करना, गुरु जी के साथ बहुत सारी बातें, बट मैंने कभी गुरु जी से कुछ पूछा नहीं, मैंने कभी गुरु जी से कुछ मांगा नहीं। बहुत दुनिया आती थी, बहुत संगत आती थी, किसी को लड़का चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को किसी ने किसी पे जादू टूना किया हुआ है, किसी ने किसी का बच्चा बीमार है, तो बहुत सारे आते थे। एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। एंड गुरुजी जब अपने रूम से निकलते थे, मतलब इट वाज लाइक अ जन्नत, जैसे गुरुजी इज वॉकिंग टूवर्ड्स टू द गद्दी, ऐसे लग रहा था कि, एंड ही वाज सो वाइट, सो वाइट कि, और ऐसा मैंने उनके कभी भी चलते हुए चरण देख ही नहीं पाई कि कभी चरण चलते हुए, क्योंकि आई थिंक ही ऑलवेज कम ऑन द लोटस, मतलब फ्लावर्स की तरह जैसे कारपेट होता है, ऐसे चलते हुए आते हैं। बड़ी संगत आई। अब एक दिन गुरुजी ने सबको आज्ञा दे दी कि तो हम 15 संगत रह गए, हमारा रूटीन हो गया था। तो गुरुजी कहते मुक्ता आंटी चल तेनू एक बड़ी वड्डी जगह लेके जा रहे हैं, जेड़ी जेड़ी संगत उत्थे आ गई, दर्शन कर गई, नेड़ों भी नंग गई, मतलब उसके आजू बाजू से भी निकल गई, ओदा सारे का कल्याण होएगा। मैं कहा गुरु जी ये केड़ी चीज़ है, कहते चल
गुरुजी ने अपनी गाड़ी निकाली। अब उस समय हमें कुछ नहीं पता कि हम एक शिव के साथ हैं। बिलीव मी संगत जी, नई संगत पुरानी संगत ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक न्यू संगत इज मच मच मोर ब्लेस्ड बिकॉज उन्होंने जब भी गुरुजी को माना है शिव के रूप से ही माना है। हमने मेरे साथ कोई और ओल्ड संगत अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गुरुजी को हमने अपने एक्सपीरियंस से अपने टाइम से उनको जाना है। कंटेसा निकाली, गुरुजी की गाड़ी में बैठे बड़े शौक से जा रहे हैं और गुरुजी ने बड़े मंदिर में, वी वर जस्ट 15 संगत, हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचते ही आई सॉ अ ब्यूटिफुल बिग शिवलिंग, ब्यूटिफुल बिग शिवलिंग। शिवलिंग देख के, बिकॉज आई एम अ शिव, आई एम अ सदानी, बट आई हैव अ शिव पूजा, आई डू 16 फास्ट एंड ऑल्सो आई एम इन लव विद शिव जी ऑल्सो। एंड मेरे का गुरु जी इतना ब्यूटिफुल शिवलिंग, गुरु जी हमें बड़े मंदिर लेके, तब बड़ा मंदिर बस जस्ट फिनिश ही हुआ था बन के, एंड उतनी देर में गुरु जी ने पूरा हमें चक्कर चलाया, चक्कर दिखाया, सब चीज़ें दिखाई। एंड कैन यू इमेजिन दैट वी आर विद गॉड, वी आर विद गुरु जी एंड वी रियली डोंट नो। उसके बाद जब हम गुरु संगत जी जब हम बड़े मंदिर के अंदर मेन हॉल में दर्शन करने जाते, देर इज़ अ मार्बल का थड़ा जहाँ पे संगत बाहर बैठ के वेट करती है। गुरु जी कहते, मुक्ता आंटी आज फिर तू इनॉग्रल कर लाए थे। मैंने कहा गुरु जी इतनी राती इतने ना म्यूजिक है, यू नो आई यूज टू टॉक टू गुरु जी लाइक जिस तरह ही इज़ लाइक माई फ्रेंड एंड ही इज लाइक, इफ यू टॉक टू हिम लाइक अ फादर यू विल फील ही इज़ लाइक अ फादर, इफ यू टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड ही विल बी अ लाइक योर फ्रेंड। तो मैंने आई यूज टू टॉक यू, पंजाबी लोग गल्ला कर देना, और गुरु जी ये किस तरह होएगा, गुरु जी ये किस तरह होएगा। गुरु जी कहते बस होएगा, तू तैयार हो जा, तेरा परफॉर्मेंस है इतने। मैं कहा अच्छा गुरु जी। पता नहीं गुरु जी ने 10 मिनट में सिस्टम आ गया, गाने वाने कहाँ से चल रहे हैं, म्यूजिक आ गया, स्पीकर आ गया, आई डोंट नो। हम लोग सब बैठे हुए थे तो गुरु जी ने मुझे कहा कि आज मुक्ता आंटी, आज जब तक मैं तेनू इशारा मतलब कहवांगा नहीं तो तू रुकना नहीं, आज अच्छी परफॉर्मेंस इनॉग्रल करनी है तू। मैं कहा अच्छा गुरु जी। अब तो जैसे ये यूज टू ही हो गए थे डांस का, गए डांस किया गुरु जी, और मैं बताऊं संगत जी मुझे कुछ नहीं पता, बस आई इंजॉय डांसिंग, मतलब डांस इज माय पैशन एंड मतलब इफ आई एम हैप्पी और इफ आई एम सैड आई डू डांस एंड इट गिव मी सो मच रिलैक्सेशन एंड सो मच पीस। एंड देन लेटर गुरु जी क्लोज हिज आईज एंड आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग एंड संगत जी सारे बैठे हुए और मैंने अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। अब मैंने जब डांस परफॉर्मेंस शुरू किया एंड आई वॉज जस्ट गोइंग कीप ऑन डूइंग तो मैं कहा ठीक है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट एंड नाउ देन आई गॉट एग्जॉस्टिंग कि भी एग्जॉस्ट होने लग गई थी कि गुरु जी देख भी नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। एंड आई कीप ऑन डांसिंग। संगत जी भी देख रहे हैं एंड आई वॉज टोटली टायर्ड। तो मैं कहा गुरु जी प्लीज़ आँखा खोल लो, हूँ मैं थक गई हूँ, प्लीज़ आँखा खोल लो, यू नो। बट आई डोंट नो संगत जी, गुरु जी मेरा क्या काट रहे थे, क्या कल्याण कर रहे थे, कहाँ मुझे किस चीज़ से बचा रहे थे, क्या क्या अंदर एक्सरे स्क्रीनिंग MR सिटी स्कैन क्या क्या चल रहा था, आई हैव नो क्लू दैट टाइम। एंड फाइनली गुरु जी ओपन हिज आईज एंड ही सेड मुक्ता आंटी आज द परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा एंड आई डांस ऑलमोस्ट 1 hour 5 or 10 minutes एंड गुरु जी टोल्ड मी मुक्ता आंटी
जा कल्याण कीता। सच बिग ब्लैसिंग्स संगत जी टू हिज संगत, वेदर इट इज़ ओल्ड वेदर इट इज़ न्यू, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट इफ वी रियली अंडरस्टैंड वॉट ही वॉन्ट्स टू टेल अस। एंड संगत जी यू वोंट बिलीव दैट आई वॉज सो क्लोज्ड देन आई वॉज ऑन माई फैमिली वे। गुरु जी मुझे कभी भी खाली नहीं जाने देते थे, डबल प्रसाद खिलाते थे। एंड मतलब कि ऐसे था, रोज का जाना बैठना, लंगर करना, शेयरिंग करना, डांस करना, गपशप, पंजाबी जो दो चार गप्पा मारना, एंड आई एम बैक। एंड गुरु जी मुझे पूरी रात में एम्पायर स्टेट रहती थी, वहाँ से मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी 2:30 बजे की, तो गुरु जी किसी की ड्यूटी लगा देते थे और अंकल जा मुक्ता आंटी नु छड़ा। अब संगत जी एक 2001 में एक ऐसा मोड़ आता है कि आफ्टर माय डॉटर बॉर्न, आई डोंट नो व्हाट्स गो रॉन्ग विद मी और इन माय माइंड और क्या सोच, क्योंकि गुरु जी कहते थे और कहते हैं कि जिन्हें अपना जुतियां दे नाल ही बार अपनी छट के आना, दिमाग लेके आओगे तो तुहाडा कुछ नहीं होएगा, तुसी कुछ नहीं पा पाओगे। गुरु जी संगत जी एक टाइम आया, आई डोंट नो व्हाट गोज रॉन्ग विद मी और इन माय माइंड और सोच, कि आई स्टॉप गोइंग टू गुरु जी एंड देन आई गॉट डिसकनेक्टेड नॉट फॉर 6 months, 1 year, फॉर ऑलमोस्ट 10 years, 10 to 12 years। यस संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव इट इज़ ट्रू दैट आई गॉट डिसकनेक्टेड। एंड आई यूज टू थिंक अबाउट गुरु जी, एंड गुरु जी ऑल्सो डिंट कॉल मी अगेन, क्योंकि गुरु जी वॉज वेरी क्लियर। कई संगत नु गुरु जी ने बोलिया सी, हूं आई आने रहा करो। जिन्होंने गुरु जी ने जिन्हों बुलाना सी उन्हां नू कहंदे सी आंदे रहा करो, जिन्हां नू गुरु जी कहंदे सी हुन आई ते उन्हों उतों ही गुरु जी कह देंदे सी। ना गुरु जी ने बुलाया, ना मेरी सोच में क्या आया, आई डोंट नो, एंड आई गॉट डिसकनेक्टेड। इट्स वेरी पेनफुल संगत जी। टुडे आई नो व्हाट आई हैव, मतलब मैं बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया गुरु जी के साथ। देन इन द ईयर्स गो कीप ऑन गोइंग एंड 2007 मैंने पता चला था गुरु जी के बारे में कि गुरु जी ने ऐसे अपने गद्दी छोड़ दी। आई यूज टू थिंक अबाउट गुरु जी, बट देर वॉज नो कनेक्शन इन। देन आई स्टार्ट सींग दिस शिवजी का महादेव, एंड दिस सीरियल ब्रिंग्स मी मोर क्लोज टू शिवजी। एंड लेटर माई डॉटर, देर इज अ पूजा आफ्टर दिस, सो आई वेंट टू मंदिर, आई वॉज डूइंग अ पूजा एंड आई डोंट नो। वो कहते हैं ना, जब गुरु जी की कॉलिंग होती है संगत जी, तभी वो संगत बड़े मंदिर पहुंच जाती है, तभी वो संगत सत्संग पहुंच जाती है, तभी संगत को वो सब कुछ मिल जाता है जब गुरु जी की कॉलिंग होती है। 2012 में दिवाली के आसपास मुझे हर जगह गुरु जी दिखने लग गए, दो कार के पीछे स्टिकर्स, किसी के शॉप में जाऊं गुरुजी, मतलब गुरुजी हर तरफ। इन 10 साल में मुझे कोई भी गुरुजी का कोई भी सज्जन संगत, कोई शॉप, कुछ नहीं, पर जब गुरुजी ने मुझे वो चीज़ दिखानी थी तो गुरुजी ने मुझे दिखानी थी। और मैं, आप मानोगे नहीं संगत जी, कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आई यूज टू आस्क कि
अच्छा यू ऑल्सो फॉलो गुरु जी ऐसे? उसे हाँ आप भी फॉलो करते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं मिली थी। कहती आप मिले थे? कैन यू इमेजिन संगत जी, उन्होंने कहा आप मिले थे? आंटी कैन आई हग यू? जस्ट सी द लव ऑफ गुरु जी, संगत जी यू ऑल हैव। मी गोइंग टू गुरु जी सो रेगुलर, कांट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स एंड आई गॉट डिस्कनेक्टेड। यू ऑल संगत, जस्ट नोइंग दैट आई हैव मेट और भाटी आंटी, एनी बडी, कपूर अंकल, दारंग, दे फेल्ट लाइक टू हग अस, कि उनको लगा कि आप गुरु जी से मिले हुए हो। सुधा आंटी, अतुल अंकल, मतलब कि दे जस्ट वॉन्टेड टू हग मी, अनीता आंटी, एंड आई स्टार्ट क्राइंग। आई कॉन्ट इवन स्टॉप माई सेल्फ कि हाउ मच दे लव यू गुरु जी, एंड वाई वाई आई गॉट बिहाइंड, वाई वॉट मेक्स मी टू गो बिहाइंड। एंड यू वॉन्ट बिलीव, हर जगह मुझे गुरु जी दिखने लग गए, हर जगह गुरु जी दिखने लग गए। और एक मेरी आंटी, शिखा आंटी, उनके घर में मेरा कुछ सामान था, मैं लेने गई थी। मैंने उनसे अपना सामान लेने की, मैंने कहा आप भी गुरु जी को फॉलो करते? उन्होंने तो गुरु जी का मुझे स्वरूप ही दे दिया। एंड शी सेड यू आर डूइंग सो, आप गुरु जी को छोड़ रहे हो, आप गुरु जी से कैसे छोड़ सकते हो। एनी विच वे, उस दिन बैक जब मैं मंदिर से निकली, आई डोंट नो व्हाट्स गो रॉन्ग टू मी, क्या हुआ, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि लेट्स मुझे छतरपुर के मंदिर, बड़े मंदिर ले जाओ। 2013 27 जुलाई वॉज माई री बैक विद गुरु जी। आई कांट एक्सप्रेस माई इमोशंस एंड फीलिंग्स वेन आई हैड कनेक्टेड हिम अगेन, वेन ही वॉन्ट्स मी टू कम बैक, ओनली ओनली देन आई हैड कम बैक। अदरवाइज 10 years I was just blind. In my subconscious, I know there was a I know one Guruji and all. जैसे मैं मंदिर में गई, मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी इज विद मी एंड ही इज टेलिंग मी कि बड़े साल तू कट ले दे, हुन यू योर टाइम इज अगेन कम बैक एंड स्टार्ट कमिंग टू बड़े मंदिर। और गुरुजी उसी टाइम, मेरी बेटी को डेंगू हो गया था, फिर गुरुजी की जल प्रसाद, चाय प्रसाद, काफ़ी प्लेटलेट्स डाउन हो रहे थे। आई थिंक गुरुजी को सब पता है कि किस संगत को मेरी कब क्या होगा, कब मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं गुरुजी के मंदिर में गई थी, बड़े मंदिर, उसी वक्त आई थिंक हार्डली 2-3 दिन में मेरी डॉटर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी डेंगू की। एंड गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद उसने लिया, उसका डेंगू ठीक हो गया। एंड माय जर्नी अगेन स्टार्टेड विद गुरुजी। नाउ द दिस जर्नी वाज विदाउट, मतलब कि फिजिकली I was with Guruji. Now this journey was with Guruji, but in your imagination, in your own way of thinking of Guruji. And it was, firstly, so I was so first year. I wherever I go, I used to cry, 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 because I used to think, why Guruji aisa hai? Why it happened to me? मैं क्यों चली गई, आपने भी नहीं मुझे बुलाया, ऐसा क्या था? There was a so much questions in my mind कि why Guruji, why I was disconnected with you? What happened to me? आपने मेरी सोच को क्यों नहीं ठीक किया, आपने मेरी समझ में क्यों नहीं लेके आए, बता मेरे को कोई एक राह दिखाते। पर वही संगत जी, उस समय वो टाइम नहीं था,
मेरा कॉलिंग का, मेरा जो टाइम गुरुजी के साथ था मेरी डेस्टिनी में, वो उतना ही लिखा था। उसके बाद की जर्नी शुरू होती है और मैं जहाँ भी देखती थी गुरुजी थे। फिर मैंने अपना सत्संग शुरू किए, सत्संग में जाना शुरू किए। आई यूज़ टू स्टे इन मैग्नोलियास गुरुजी संगत जी, वहाँ पे मैंने देखा गुरुजी आपकी बहुत कम संगत यहाँ पे है, आपकी संगत ही कोई नहीं है। रुमित आंटी हैं वहाँ पर, थी रुमित आंटी, मैंने पहली बार सत्संग किया। गुरुजी ने मुझे पहले 2 साल बहुत अच्छे से, 2013-14 को गुरुजी ने बहुत मेरे को वो किया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक ऐसी सेवा की लड़ी में लगाया कि मैं खुद ही वहाँ पे मैग्नोलियास में जब मैं रहती थी तो वहाँ पे मैंने शेयर किया, गुरुजी के बारे में बताया। बहुत संगत गुरुजी के मंदिर में गई और वहाँ पे हमने 2-4 ग्रुप स्टार्ट किया था। उसके बाद आज हम लोग 80-90 संगत है। गुरुजी ने मुझे उसकी सेवा में लगाया, सब प्यार दिया, संगत में एक पहचान बनाई। इतनी संगत आज जो मैं ब्लेसिंग्स ग्रुप में सत्संग शेयर कर रही हूँ, सोनिया आंटी, काजी अंकल, अब काजी अंकल मुझे संगत पे संगत, जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं तो आपके साथ कोई स्टॉप ही नहीं है। तो काजी अंकल ने मुझे बताया, सोनिया आंटी से मेरा कल बात हुई कि आंटी मुझे आप शेयर करेंगे, तो आज मैं संगत जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी ये जर्नी बहुत पेनफुल, ब्यूटीफुल, मेमोरेबल है। और संगत जी ऐसे ही मैं अपनी सेवा करती रहूं, बड़े मंदिर जाना, एम्पायर स्टेट जाना, इतना गुरुजी की महिमा है। आज जो भी मेरी पहचान, जिन भी संगत में मेरे चीज़ें हैं, वो सिर्फ गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की ग्रेस है। सो गुरुजी का लख 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इसको, इस मामूली सी आंटी को आपने कहाँ से कहाँ लेके गए, ऐसी सेवा भावना जगाई, मेरी समझ को ठीक किया, मेरे को समझाया, मुझे कई चीज़ों से चैलेंजेस में कैसे करना है, इतना सपोर्ट दिया। गुरुजी आप ऐसे ही मेरे साथ रहना और सब प्यारी संगत के साथ रहना। अब संगत जी, अब एक आई वॉन्टेड टू ऑल्सो शेयर अ ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई थिंक दिस मैसेज इज फॉर एवरीबडी, विच गुरुजी हैज़ गिवन मी इन हिज इन माई ड्रीम। हम अक्सर संगत जी गुरुजी के साथ लड़ते हैं, प्यार करते हैं और हमेशा बोलते हैं, गुरुजी अगर आप तो हो ही नहीं, अगर आप होते तो आप दिखाओ कहाँ हो। वी चैलेंज गुरुजी, वी आस्क गुरुजी, वी समटाइम फाइट विद गुरुजी एंड वी लव आल्सो गुरुजी। एंड व्हेन दिस कोरोना वायरस स्टार्टेड इन मार्च, 1 अप्रैल को मैंने मेरे घर में सत्संग था, पहले से डिसाइडेड था मार्च 1st वीक में। तो एंड मार्च एंड में आई वॉज वेरी वेरी अपसेट, वेरी वेरी डिप्रेस्ड। वही गुरुजी आप तो सबको सुनते हो, आप सबका मिरेकल करते हो, आप यहाँ हो, आप वहाँ हो, वो कहता है मेरा मिरेकल हो गया, वो कहता है मेरा मिरेकल हो गया। तो आप शायद मेरे लिए ना, आप मेरे लिए आप शायद बिजी हो जाते हो। सो आई वॉज लिटरली डूइंग दिस इन माई थॉट्स विद गुरुजी। एंड 1 अप्रैल को अष्टमी थी एंड अष्टमी वाले दिन आई जस्ट वोक अप एंड आई सेड कि अभी तो चलो आई विल मेक अ प्रसाद, एंड देन उठ के मैं दोबारा सोने चली गई। अब मैं संगत जी में सोने दोबारा से सो रही हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे एक बहुत टॉल अंकल मिलते हैं और वो मुझे कहते हैं कि
मैं उनके गले में लॉकेट देखती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। यू नो गुरु गुरु जी का एक ऐसा रिश्ता है कि किसी भी गुरु की संगत को देख लो, क्योंकि गुरु जी कहते ने मेरी सारी संगत मैं वसना। यू नो दिस इज सो सो ट्रू। सो गुरु संगत से मिलके जो खुशी मिलती है ना संगत जी, अपने शायद रिलेटिव से नहीं मिलती हो, बट गुरु संगत से मिलके बहुत खुशी होती है। दैट अंकल से मैंने कहा हाँ जी आप मिले हो, सुनो आई शेयर माई येस आई मेट गुरु जी। सो मैं कहा हाँ गुरु जी आई यूज टू गो एम्पायर स्टेट, अब नाउ गुरु जी ने गद्दी। कहते आप क्या बात कर रहे हो आंटी, गुरु जी तो हैं। आई सेड हाँ जी अंकल गुरु जी तो सब जगह हैं। तो यू नो एंड दैट अंकल वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल मी कि आंटी गुरु जी तो है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी हैं। कहते है ना कहो कि गुरु जी नहीं है, मैं कहा नहीं नहीं गुरु जी है। तो मुझे लगा नई संगत है शायद उनको शायद नहीं पता, तो मैंने फिर दोबारा बोला और वो उस अंकल ने मुझे फिर, ये सब ड्रीम में चल रहा है संगत जी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आंटी लाओ मैं थोड़ी उन्हें गुरु जी नाल गल कराना। एंड यू नो संगत जी मेरे तो गूज, मतलब मैं ये सब ड्रीम में चल रहा है मेरे, और मैंने कहा संगत जी ये अंकल कह रहे गुरु जी से बात कराता हूँ। एंड मैंने अपने आप को यू नो कि मैं शॉक में पहले गई कि एम आई मैं शायद कहीं पीछे बैक पास्ट में तो नहीं चली गई। देन अंकल ने फ़ोन मिला के मुझे फ़ोन दे दिया, कहने लो गुरु जी ना गल करो। मैंने कहा गुरु जी से गल करो, और मेरे हाथ कांप रहे संगत जी की, और ये सब ड्रीम में चल रहा है। और मैंने जैसे फ़ोन लिया मैंने बोला गुरु जी बोल रहे ने, हेलो गुरु जी। यू वोंट बिलीव संगत जी, इट वॉज गुरु जी, इट वॉज गुरु जी। गुरु जी सेड हाँ भाई मुक्ता आंटी की हाल है। आई जस्ट गॉट अमेज्ड संगत जी, आई वॉज अमेज कि गुरु जी इज ऑन द लाइन एंड टॉकिंग टू मी। आई गॉट इट इज ऑल एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माई ड्रीम संगत जी। एंड मैंने कहा गुरु जी आप बोल रहे हो, हाँ तू भूल गई सी मैं थोड़ा भूल लिया तेनू। एंड जिन्होंने गुरु जी से वीडियो देखी है, जो रूबरू मिले हैं, गुरु जी की पंजाबी टोन आई कैन नेवर एवर फॉरगेट। देन संगत जी एंड आई केप्ट ऑन क्राइंग एंड टॉकिंग टू गुरु जी एंड आई एम सेइंग सो मेनी थिंग्स टू गुरु जी एंड गुरु जी इज टेलिंग मी सब ठीक होएगा। फिर देन मैं कहा गुरु जी ए वायरस सब ठीक होएगा, मंत्र जाप कर दे रो। ही ट्वाइस थ्राइस टोल्ड मी कीप ऑन डूइंग मंत्र जाप संगत जी, इट्स लाइक अ कवच टू अस। एंड देन आई रिमेंबर संगत जी फ्यू थिंग्स आई डोंट नो। Few things I don't remember, Guruji, Sangatji. Few things I do remember. Then, Gurgaon, मैं बहुत blessed किता है. Gurgaon, बड़ी blessed संगत है. And I am keep on talking to him and crying and then, you won't believe, Sangatji, I was talking on the phone. Then immediately this phone got. जैसे ऐसे बात करें और एकदम से बात करते करते गिर गया मेरे हाथ से और फ़ोन टूट जाता है। और मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला के, जैसे
जैसे किसी ने मेरी बहुत प्यारी चीज़ छीन ली हो, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू गुरु जी ऑन द ओवर द फोन एंड आई सेड गुरु जी एंड आई क्राइंग एंड गुरु जी और पूरे मेरे घर वाले भाग के मेरे रूम में आते हैं, वो कहते क्या हुआ मुक्ता मुक्ता क्या हुआ क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं गुरु जी थे पता नहीं कहाँ चले गए, ही वॉज टॉकिंग टू मी ऑन द फोन एंड ही वॉज टेलिंग मी तू चिंता ना कर सब ठीक होएगा। एंड बिलीव मी संगत जी, नॉट मी, मैनी ऑफ माई संगत, वी जस्ट गॉट दिस, थोड़ा सा हम गुरु जी का हमारा हो जाता है ध्यान इधर उधर, जब हमारी कोई चीज़ हो नहीं रही होती, जब हमारी चीज़ हो रही होती है तो हम बहुत बहुत महिमा गाएंगे, गुरु जी के बारे में बोलेंगे, हाँ गुरु जी तो सुनते हैं, गुरु जी तो सुनते हैं, पर जब किसी संगत का, जैसे मेरी, मैं भी इंक्लूड हूँ, नहीं कभी बार टाइमिंग के हिसाब से गुरु जी ऊपर नीचे हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे ड्रीम में आके फ़ोन पे बात करके ये बताया, और शायद ये मैसेज सबके लिए गुरु जी देना चाहते हैं कि जो भी संगत कभी भी ये सोचे कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, बट जो हमारा हिसाब किताब कर्मों का है वो तो हमें देना है। मैं तुम्हारे कर्म भी काट रहा हूँ पर तुम्हें भी अपना पार्ट करना पड़ेगा। टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, टाइमिंग वर्स्ट भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बट घबराना नहीं है, मैं तेरे नाल। एंड संगत जी, दिस वॉज अ सच अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज, नॉट फॉर मी, फॉर सो मेनी संगत ऑफ गुरु जी, दैट प्लीज संगत जी, आप कभी भी इस सिचुएशन में कभी हो जहाँ आपको लगे कि गुरु जी शायद नहीं आपको सुन रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उन्होंने मुझे प्रूफ कर दिया कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सब दुख समझ रहा हूँ, पर समय आते सब ठीक होएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू संगत जी, दैट वी हैव टू कीप ऑन डूइंग, वी हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिविटी इन आर सेल्फ, वी हैव केप्ट ऑन चैंटिंग गुरु जी। आज की डेट पे मैं देख रही हूँ हर जगह मंत्र जाप की लड़ियाँ चल रही हैं, घर घर सत्संग हो रहे हैं, ये गुरु जी की महिमा नहीं है तो संगत जी बताओ क्या है? ये महिमा है, उन्होंने हमें ऐसे, नहीं तो हमारी क्या औकात संगत जी, हम डिप्रेशन में आके मेडिसिन्स खा रहे होते, हम डिप्रेशन में आके, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, हम डिप्रेशन में आके क्या कुछ कर देते हैं, पर गुरु जी के शरण में आने के बाद हमारे मन पीसफुल हो जाता है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और हम उस गुरु को देखते हैं कि आप हो, हमने आप पे सब कुछ छोड़ दिया है, बट हमने अपना कर्म करना है संगत जी, हमने अपना वो सब कुछ करना है, कोशिश करना है जो गुरु जी ने बहुत बार अपने मैसेजेस में बताया है, बहुत सत्संग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा इमोशनल मैं बहुत हो जाती हूँ गुरु जी को लेके, क्योंकि आई मिस गुरु जी अ लॉट। I always remember my golden days, which will never come back. But yes, it's give me strength to be more positive and bring positiveness in your other sangat. Aur sangat ji, it's 4:40. That
शिव पुराण पढ़ने के लिए गुरुजी ने बहुत बार मैसेज दिया है। इवन जनरल कपूर अंकल ने भी बहुत बार मैसेज दिया है। जो भी संगत शिव पुराण स्टार्ट करके पढ़ना शुरू कर सके तो ज़रूर करिए, शिव पुराण को प्लीज़ पढ़िए। बहुत बहुत उसमें आपको मैसेज मिलेगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये गुरुजी का पहले बहुत देर से ये शिव पुराण का मैसेज आ रहा है, इस करके मैं इसको शेयर करूँगी। और संगत जी, थैंक यू सो सो मच फॉर हेयरिंग मी। और मुझसे सत्संग करते कोई भी चीज़ अगर गलती हो गई हो कोई भी शब्द से, तो मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना। और गुरुजी पे ट्रस्ट रखो संगत जी। ये जो महामारी का वायरस है, ये भी चला जाएगा, गुरुजी ने मुझे बताया है। बट संगत जी, कीप ऑन डूइंग मंत्र जाप रेगुलरली, इट शुड बी योर पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। एंड यू ऑल नो आवर गुरुजी इज़ लाइक अ रॉक स्टार। देयर इज नो ये नहीं खाना, वो नहीं करना, नहाना नहीं है, ये करके बैठना है। आवर गुरुजी सेज योर दिल, योर हार्ट स्पीक्स एंड गुरुजी लिसन्स टू दोस जिनके दिल साफ होते हैं। गुरुजी कहते हैं, मेरे को कहते थे गुरुजी कि मुक्ता आंटी, दिल साफ होना चाहिए, बाकी आधी गल्ला छड़ो, दिल साफ होना चाहिए। और गुरुजी मैं कहती हूँ, आपने अगर सच्चे मन से आज कुछ सोचा होगा ना, कुछ भी, तो आप देखो विद इन अ फ्यू टाइम, ज़्यादा टाइम भी नहीं देने देते, आपकी चीज़ पूरी हो जाती है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। और गुरु, आप देखो हम कितना शुक्राना है गुरुजी का कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं, घर में बैठे हैं, गुरुजी का गुणगान कर रहे हैं और एक सुरक्षा कवच में हम हैं। हम सब इस वायरस से निकल जाएंगे संगत जी। बस कीप ऑन डूइंग मंत्र जाप, शिव पुराण अगर पाठ पढ़ना शुरू कर सको, मैंने भी शुरू कर दिया है। और अपनी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो, गुरुजी का गुणगान करो, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दो, अपनी हर चीज़ में कोशिश करो हैप्पीनेस क्रिएट करने की। गुरुजी इज़ हेयर संगत जी, गुरुजी इज़ हेयर एंड विद ऑल ऑफ अस, विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच संगत जी, गुरुजी को शत शत नमस्कार। जय गुरुजी।